I'm here not to give a philosophy kind of speech. I'm here to speak about a small journey of my life. And you can say my experiences. And the taste of artist life. Okay. When I was a child, I wanted to be a most famous person. And I was thinking, I should have something unique that people can't think of it. And you can say the center of attraction. And I should have something unique. When I was a child, I used to take part in many competitions like state level, national level, school, college, everywhere. और मेरा सिर्फ competition में part लेना सिर्फ यही एक motto था कि ना मुझे कुछ extraordinary करना है. I mean ऐसा कुछ जो कुछ unique लगे और मुझे कुछ नया सीखने मिले. And यहाँ पे मुझे एक point add करना चाहिए. God has given a talent to everyone. Okay. We should find and follow it. I did the same. बट वो तभी पॉसिबल है जब हम हमारे लिमिटेशंस और कंफर्ट जोन के बाहर कुछ करना चाहें, राइट? नाउ आई हैव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ माइन. व्हेन आई वाज लर्निंग इन मुंबई, माय डैड सेड कि बेटा ऐसा कुछ करो जिससे ना घर में फिक्स इनकम आए. ओके. एंड मुझे लगा ओके इट्स जॉब. एंड मुझे जॉब से कोई इश्यू नहीं था, बट द प्रॉब्लम ऑफ माइंड कि मुझे मेरी लाइफ को एक लिमिटेशंस और एक कंफर्ट जोन में नहीं जीनी थी और एक बाउंड्रीज के अंदर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन माय पैशन एंड एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग माय एमबीए, इवन माय टीचिंग वर्क, माय फैमिली सिचुएशन एंड लॉट मोर. एंड आई वाज पुशिंग माय सेल्फ and I was trying to give best every place and jab ye possible nahi tha, but mera mind samajh chuka tha ki agar beta tujhe kuch karna hai to tujhe sach mein na apne limitation se bahar kuch karna padega. So I opened my art academy and I learned many art like sketching, painting, calligraphy, art and craft. I think so kuch chhoda hi nahi maine. And there are lots of students learning there, but yet I was not satisfied and mujhe kuch grand karna tha. And coincidentally I got a call from the land of stars, you can say the land of art, Mumbai. And it was my first show, live stand art at Grand Hyatt, the front of 1000 corporate people. And that was very surprise for me and it was my life turning point. Uske baad to fir life bas shuru ho gayi and you can say I did number of shows. Aur yahan pe mujhe aapke sath ek meri personal baat share karni hai, thodi interesting hai aur emotional bhi hai. Wo hai ki jab main mere family ke sath dinner kar raha tha tab na TV pe India ka number 1 shows, India's Got Talent, एंड कैजुअली डैड सेड कि बेटा तू कब टीवी पे आएगा. एंड मैं थोड़ा फॉर्म में आके बोला उसमें क्या है, आ जाऊंगा. एंड यू कैंट बिलीव इट, आफ्टर 2 मंथ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड दैट वॉज सरप्राइज फॉर मी. एंड उसके बाद तो लाइफ और इंटरेस्टिंग होती गई, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होती, बहुत मज़ा आ रहा था कि आई डिड नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ रियलिटी शोज, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. इवन आई गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आरंभ है प्रचंड.
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड राज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड
माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे भूले हम राह हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे बंदे में था दम बंदे मातरम बंदे में था दम बंदे मातरम बना रे नफरत की आधी बहती रे वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे आ जा रे बापू आ जा रे जा रे बापू मेरे पेंटिंग करने वाला हूँ आपके सामने वो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा या तो फिर बहुत कम लोगों ने देखा होगा ये पेंटिंग ये जो पेंटिंग है उसमें ना तो कोई ब्रश स्ट्रोक्स या तो कोई कलर्स या ऑयल कलर या एक्रेलिक कलर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं यूज़ करना है और ये जो पेंटिंग है वो जब मैं बनाऊँगा तो एंड तक आप में से कोई भी नहीं पहचान पाओगे कि ये क्या बन रहा है जाना मैंने जिंदगी
सो गया जैसा भी हूँ अपना मुझे मुझे ये नहीं है बोलना काबिल तेरे मैं बन सकूँ मुझे द्वार ऐसा खोलना सांसा खोलना सांसों की इस रफ्तार को धड़कन के इस जोहार को हर जीत को हर हार को खुद अपने इस संसार को सच से नजरें हटाए क्यों खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए मेरे खुद की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का काटो मुझे तो तू बहे हो सुर्ख रंग हर तुझको वो याद करता रहा तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा तेरे दर्द की आहट सुनी Principal sir to kindly come upon the stage. किसी को लगता है ये क्या क्या बना है नहीं मेरे को समझाने सॉरी
Thank you so much. Okay, so now I'm just gonna leave you. So at the end, being an artist, I just want to say you one thing. Do your work without boundaries and you will get what you will never thought. Thank you so much.